उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन इस वक्त सख्त, चुस्त और दुरुस्त है, मगर यूपी पुलिस के मुखिया क्या कह रहे हैं इन तमाम चीजों पर, आइए सुनते हैं। यूपी सरकार के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से लखनऊ में घटना हुई, कोर्ट के बाहर बताया जा रहा कि बम फटे, कुछ बम बरामद भी हुए, अभी जो मेरी जानकारी में आया है करीब 12 बजे श्री संजीव लोधी पदाधिकारी हैं बार एसोसिएशन के, इन्होंने सूचना दी है कि जीतू यादव जो भी एक दूसरे पदाधिकारी हैं बार एसोसिएशन के और उनके दो साथी ने इनके ऊपर हमला किया है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। तो उस पर लखनऊ पुलिस के अधिकारी सारे रिस्पॉन्ड करके वहाँ पर गए हैं और जो मुझे जानकारी मिली है उसमें दो सुतली बम वहाँ पे पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। और ये भी मौके पे जो बात हुई है उससे पता लगा है कि कुछ इनका विवाद है जो चल रहा है, तो वहाँ पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं वो इसको गहराई से देख रहे हैं, ये मुझे सूचना है और यही मैं बता सकता हूँ अभी। सर, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, चाहे पहले जो हत्याएं हुई हैं उसके बाद लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, अब चूंकि आप डीजीपी, किस तरह से चीज़ें मेंटेन होगी जो यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? देखिए, पुलिस की व्यवस्था जो है उसको उत्तरोत्तर इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है और ये छोटा सा आपको दृष्टांत दे सकते हैं इस तरह कि जो फोर्स की क्षमता है, जो नंबर्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं रिक्रूटमेंट करके, तो फोर्स की कमी ना रहने से हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। इसके अलावा अभी मैंने स्वयं कल ही सारे जितने हमारे ज़िले हैं, जितने जोन हैं, जितनी रेंज हैं, उनके अधिकारियों से सीधे बातचीत की है, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू की है, उनको निर्देश भी दिए हैं उनको किस प्रकार कार्रवाई करनी है और वो कर भी रहे हैं। नोएडा में और लखनऊ में कमिश्नरेट्स भी स्वीकृत की हैं और ये आगे इसी तरह हम प्रयास करते रहेंगे और बेहतर व्यवस्था देंगे। धन्यवाद, बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हितेश चंद्र अवस्थी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि लगातार जो है पुलिस डेली परफॉर्म करना होता है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद है आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था और ज़्यादा चाक चौबंद होगी। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।